78 ग्राम पोटेशियम में इसके मोल की संख्या आंसर हो जाएगा इसका डी, 2 मोल। NaOH में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, 40%। तीसरा है ब्रोमिक एसिड का आणविक द्रव्यमान, तो ब्रोमिक एसिड का आणविक द्रव्यमान निकालिएगा, ऑप्शन आएगा ए, ब्रोमिक एसिड HBrO3, इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 129 U आएगा, निकाल कर देख लीजिएगा, तीसरा का ए। चौथा है 8008 में सार्थक अंक की संख्या, ऑप्शन हो जाएगा डी, 4। पांचवा है एटॉमिसिटी ऑफ P4 की परमाणुकता, वो हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, पांचवा हो गया आपका। छठा क्वेश्चन है 12.044×10^24 सोडियम परमाणु में इसके मोल की संख्या, ऑप्शन हो जाएगा 20 मोल, हम लोग बनाकर देखेंगे उसको, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, छठा का बी। सातवां CsU3 के 10 kg में इसके मोल की संख्या, सी हो जाएगा 100 मोल। आठवां 1 ग्राम परमाणु सिलिकॉन की मात्रा होगी तो डी, 28 ग्राम, 1 ग्राम परमाणु सिलिकॉन की मात्रा होगी 28 ग्राम। नौ नंबर क्वेश्चन है 25 ग्राम बेरिलियम में इसके मोल की संख्या होगी, ए हो जाएगा 2.77 मोल। इसके बाद दसवां क्वेश्चन है MgO में मैग्नीशियम की प्रतिशत मात्रा होगी तो हो जाएगा 24×100/40, यानी हो जाएगा दसवां का बी, 11। राउंडिंग ऑफ करना है तो इसका आंसर है आपका 11 का बी। राउंडिंग ऑफ करेंगे तो मिलेगा आपको 0.04 60, 3 अंक तक राउंडिंग ऑफ करना था इसका, 3 अंक तक राउंडिंग ऑफ करना था। इसके बाद दाब का व्युत्पन्न SI मात्रक kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2 होता है, यानी 12 का C, 13 है एवोगाड्रो कांस्टेंट का मान, 13 का A, 6.022×10^23, 14 सोडियम एसीटेट का सूत्र दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है लिथियम एसीटेट का आणविक द्रव्यमान, तो लिथियम एसीटेट होगा CH3COOLi, इसका आप आणविक द्रव्यमान निकालिएगा ना तो 66U आना चाहिए, यानी 14 का A। 15 मोलालिटी छोटा m, मोलालिटी छोटा m का मात्रक क्या होता है तो मोल पर केजी होता है, यानी B ऑप्शन हो जाएगा। 16 का ऑप्शन हो जाएगा A, मोलारिटी मोलरता कैपिटल m का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, 16 का A। 17 ग्रेन अल्कोहल क्या है, CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल को ही ग्रेन अल्कोहल कहते हैं, तो 17 का C। 18 H2S का वाष्प घनत्व, तो H2S का वाष्प घनत्व हाइड्रोजन का 2 सल्फर का 32, 34 हो गया, 2 से भाग दे देते हैं इसमें तो 17 हो जाएगा आंसर, यानी 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन एक भी सही नहीं है, इसलिए वॉक ओवर मैंने दे दिया है, 19 में आप लोगों को मार्क्स दे दिया है। SO2 का वाष्प घनत्व कितना होगा, तो SO2 का वाष्प घनत्व, SO2 का आणविक द्रव्यमान होता है सल्फर का 32, 2 ऑक्सीजन का 32, 64, 2 से भाग दीजिएगा तो 32 आएगा, SO2 का वाष्प घनत्व 32 आएगा। कैल्शियम का वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी कितना होगा, तो 20 में जो कैल्शियम का वेपर डेंसिटी पूछा जा रहा है ना, उसका आंसर हो जाएगा डी, नन, 20 का डी, नन, क्योंकि कैल्शियम ठोस है और वाष्प घनत्व केवल गैसों का निकालते हैं, ठोस का नहीं निकालते हैं। और लास्ट टाइम लोगों का 10^-9 को कहते हैं, 10^-9, 10^-9 यानी 21 का सी, नैनो, 10^-9 को नैनो कहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।